नमस्कार, मैं सिद्धिका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आई डालते हैं अच्छी खास खबरों पर एक नजर। खबर बोकारो से है, जहां सोहन लाल आयर इंटरमीडिएट कॉलेज के 12th का एग्जाम शुरू होने वाला है, जहां 83 बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं आज बोकारो के डीसी कार्यालय के समक्ष छात्र ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को डीसी तक पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं छात्र ने कहा कि वो ऐसे 83 छात्र हैं जो गांव देहात से पढ़ने के लिए आते हैं। छात्र ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि फॉर्म और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। कॉलेज के प्रधानाचार्य के ठाकुर ने कहा कि लिंक ओपन ना होने के चलते इन 83 बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाया, जिसके चलते एडमिट कार्ड नहीं आ सका। वहीं आज 83 छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। मेरा नाम मिक्की कुमारी है। मैं SLRIA कॉलेज की 12वीं की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों का 83 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि हम लोगों ने मतलब चालान भी भरा, सब जो फॉर्मलिटी होता है वो सारा कुछ हम लोग फॉर्मलिटी पूरा किए। कॉलेज की लापरवाही की वजह से आज हम लोग 83 स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। और हम लोग शिक्षा मंत्री के पास प्लेटफॉर्म भी हम लोग उनका गए हुए थे, बट वहाँ से हम लोग को कुछ मदद नहीं मिला। शिक्षा मंत्री का कहना है कि तुम लोग को 2 मंथ बाद तुम लोग का एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री लेंगे या स्पेशल एग्ज़ाम होगा, जिस पर एडमिट कार्ड और मतलब 2 मंथ के बाद ही तुम लोग का एग्ज़ाम हो सकेगा, इसमें हम कुछ मदद नहीं कर सकते। फिर भी हम लोग मतलब शिक्षा मंत्री के कॉन्टेक्ट में हम लोग रहे, फिर हम लोग 2-3 दिन तक हम लोग उसी टॉपिक पर बात करते रहे, बट शिक्षा मंत्री का कहना है कि मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर हम लोगों ने अध्यक्ष जो होते हैं जैक, वो काउंसलिंग, उनसे भी बात की हम लोग, बट वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिला। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री का जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो जिला उपायुक्त क्या करेंगे? जिला उपायुक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए कि हम लोग भी मतलब राष्ट्र के युवा हैं, हम लोग भी देश के भविष्य हैं। उनका कहना है कि एक स्टूडेंट का अगर होता तो हम मतलब एडमिट कार्ड पोर्टल खुलवाकर हम लोग मतलब एग्ज़ाम ले लेते, बट यहाँ पे 3-3 बार पोर्टल खुल चुका है, बट एक स्टूडेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, बट 83 स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? हम लोग को जवाब चाहिए, हम लोग को एडमिट कार्ड मिलना चाहिए ताकि हम लोग अपना एग्ज़ाम सफलपूर्वक दे सकें। और हम लोग आज DEO मैडम को भी हम लोगों ने मतलब लेटर लिख कर दिए थे और कहा था कि मैम ने हम लोग को रिसीविंग भी दिया, बट उनसे कोई जवाब हम लोग को नहीं मिल पाया। और उसी कारण से हम लोग आज DC ऑफिस आए हैं ताकि हम लोग को कुछ सॉल्यूशन मिले। और हम लोग का एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है, प्रैक्टिकल भी जो चीज़ सारे फॉर्मलिटी होते हैं वो भी पूरा हो चुका है, बट हम लोग आज 83 स्टूडेंट ऐसे हैं SLRIA के जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वो भी हम लोग को कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, ना कुछ हम लोग का मतलब सॉल्यूशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उनका कहना है कि अब आप लोग एग्ज़ाम 2 मंथ बाद दो, लेकिन हम लोग ऐसा हम लोग को स्वीकार नहीं है। हम लोग 2 मंथ बाद क्यों दें? हम लोग को नहीं देना। हम लोग मेरा नाम निक्की कुमारी है और मैं बोकारो प्रखंड टुपकाडी की रहने वाली हूँ।